हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी मुसाफिर लोग ऑफिशियल, और मैं हूं आपका होस्ट शर्मा जब्बार चौहान। तो आज जी वीडियो कोई नहीं थी अपलोड होने वाली, आज कल हमारी वीडियो आनी थी इस चैनल पे, मुसाफिर लोग ऑफिशियल वाले चैनल पे, वो वीडियो कोई नहीं थी। मैं भी फारिग बैठा हुआ था तो अबू से मैंने पूछा है, अबू कहते हैं कि देख लो क्या करना है। फिर वी हैव डिसाइडेड दैट कि चलो जी, थंबनेल लोग काफ़ी पूछ रहे थे, अंकल भी एक दो अंकल भी पूछ रहे थे और फ्रेंड्स वगैरह मेरे भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो थंबनेल ही बना लिया जाए। एक थंबनेल आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक सही होगा, इतना तो वो प्रोफेशनल टाइप तो नहीं होगा, बाकी देखें आपको समझ आता है तो, नहीं भी समझ आता तो भी कमेंट्स में बताएं, समझ आता है तो भी कमेंट्स में बताएं, वो हमें साथ आप वो भी दें, क्या दूँ कहने ने मशवरा भी दें कि हम इस तरह की वीडियोज़ बनाया करें या नहीं बनाया करें। तो ये मैंने आपके सामने खोला जी कैनवा, ठीक है। दोबारा आपको ओपन करके दिखाते हैं जी, रिफ़्रेश किया पीसी को, ठीक है। यहाँ से हमने खोलना है जी जाके क्रोम को, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र आपका चल जाएगा। ये कैनवा है, यहाँ पे आप, मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, आप यहाँ पे सिंपल कैनवा लिखेंगे, ये कैनवा ग्राफिक कंपनी आ जाएगी जी, ठीक है। ये ऊपर वाले को आपने, कैनवा विजुअल सूट वाले को आपने खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी आईडी, मर्जी आपकी, लॉग इन करते हैं तो अच्छा है, डाटा सारा आपका सेव रहेगा। आप ये देखें जितने भी हमने थंबनेल्स वगैरह बनाए हैं वो सारे हमारे पास्ट के भी सारे यहाँ पे सेव हुए हैं। ये आप यहाँ से सीवीज़ वगैरह भी बना सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, सीवीज़ भी बना सकते हैं, थंबनेल वगैरह बना सकते हैं आप, वो लोगो भी बना सकते हैं, इंट्रो आप अगर चैनल का इंट्रो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पीसी के लिए अगर आप वॉलपेपर बनाना चाहते हैं, जिस तरह ये वॉलपेपर लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक और वॉलपेपर लगाया हुआ था, वो मैंने यहीं से बनाया था, वो बड़ा प्यारा वॉलपेपर था, तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी मैं आपको वॉलपेपर भी दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई, ये देखें जी, एक ये है जी, ठीक है। ये सारी इसमें मेरी अपनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट इसने जो है ना बना के दे दिया था, ठीक है। एक ये वाला है, दिस वन, अगर ये पहचान खुल जाते हैं। एक ये था, ये पीछे वॉलपेपर जो बैकग्राउंड जो है ये मैंने उधर से उठाया था गूगल से, ये वाला जो है ये मैंने टोटल खुद ही बनाया था, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ी सी कमियाँ मुझे लग रही हैं, इस वजह से मैंने वहाँ पे प्लेसमेंट इसकी नहीं की, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, ये हो गया, ठीक है। इस तरह आप इसके ऊपर, कैनवा के ऊपर आप काफ़ी सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपको यहाँ पे थंबनेल वीडियो बन जाएगी, ठीक है। वाइट बोर्ड, ये पता नहीं क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। थंबनेल बन जाएगा, वीडियो बन जाएगी, आप मोबाइल वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बन जाएगी, प्रेजेंटेशन अगर आप कोई ऑफिस वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बन जाएगी, स्टोरीज़ जो फेसबुक इंस्टा की स्टोरीज होती हैं वो पोस्ट वगैरह, ठीक है। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा क्या सीन होता है कैनवा का, क्योंकि इतनी भी ये छुपी वेबसाइट नहीं है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। तो अब ये सीन है कि मैंने बना के रखा हुआ है एक टेम्पलेट ही समझ लें, अपना टेम्पलेट मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये चौहान ब्रोज ऑफिशियल वाले चैनल के लिए हमने थंबनेल बनाया था, ठीक है। टेम्पलेट से मुराद ये कि जो बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड मैंने अपना बना के रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे हमारे जितने भी सीबी किचन वाला एक चैनल है उस पर भी, ये मुसाफिर लोग वाले चैनल पे भी, चौहान ब्रोज वाले चैनल पे भी, बैकग्राउंड तकरीबन सबका यही होता है। छोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ये रिमूव भी हो जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखें, मैं चौहान साहब को रिमूव करता हूँ, क्लिक किया, डिलीट किया, ठीक है। ये क्लिक किया, छोटे चौहान साहब को ये डिलीट किया, ठीक है। ये मैं सिंपल ये काम करता हूँ, ठीक है। ये जी अब हम रेडी टू गो हैं जी, हमारा बैकग्राउंड खाली हो गया है, बैकग्राउंड हमारा सिर्फ पीछे बच गया। अब यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी का थंबनेल बनाते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका पहले आपको वो बता देते हैं हम लोग, तो फिर बाकी सीन में आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, आप थंबनेल पे जाएंगे, ठीक है, ये ब्लैंक पेज खुल जाएगा अगर आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ऐसे। एक तरीका ये है इसको खोलने का, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे आप आएंगे, आपने YouTube थंबनेल यहाँ पे सर्च करना है और ये आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आपका टाइम कम लगे, बस आप टेक्स्ट डालें, अपनी तस्वीर डालना चाहते हैं तस्वीर डालें, तो वो आपका यहाँ से सीन गुड हो जाएगा। अब इसमें ये प्रो वाले जो हैं ये पेड वर्जन है, जो जिनके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो जो हैं हम लोग फ्री में हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं।
अब जिस तरह के ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये इसको मैं उठा लूँगा। ये देखें जी, ये टेम्पलेट मेरे पास आ गया। यहाँ से अब अगर आपको ये भी नहीं पसंद आ रहा ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे आपको वही सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। वो सीन वही है, अब नीचे प्रो जिसके नीचे लिखा हुआ है वो सारे पेड़ वाले हैं, ये क्राउन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एरो लेके जाएंगे तो इसके ऊपर प्रो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मुझे ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाने नहीं आते, अगर समझ ना आ रही तो आप दोबारा पूछ सकते हैं जी, कमेंट सेक्शन में आपके लिए होता है तो वो आप पूछ सकते हैं दोबारा, वो मसला कोई नहीं है, ठीक है। आप जैसे ये फर्ज करें मुझे ये टेम्पलेट नहीं समझ आ रहा, अगर समझ आ रहा है तो इसी को आप यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ये तस्वीर है, इसके ऊपर ये फ्रेम के ऊपर तस्वीर लगी हुई है, हम इधर से अपनी तस्वीर यहाँ से अपलोड में से जाके किसी भी फोल्डर में से निकाल के हम लोग ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी तस्वीर डाल सकते हैं। जैसे कि अब ये मेरी तस्वीर है, ठीक है, ये आपने ये देखें जी, ये मेरी तस्वीर इधर आ गई है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अभी आपको थोड़ी सी वो ऑफ ऑफ सी लग रही होगी, डल डल सी लग रही होगी, यहाँ से जाके मैं इसकी एडिटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ थोड़ी बहुत जो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से हम लोग यहाँ से इसको ये शार्पन भी कर सकते हैं। देखें ब्लर हो गई है, ये अब शार्प हो गई है, क्लियर जितनी क्लियर करना चाहें कर सकते हैं हम, ठीक है, ये सीन है, ठीक। और फर्ज करें जी आपको ये टेम्पलेट नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिज़ाइन बाकी मिल रहे हैं, ये अब जी फर्ज करो जी मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी तस्वीर अपनी तरफ से कोई, ठीक है, कौन सी तस्वीर लगाई जाए, फिर सी कोई तस्वीर चुकते हैं तो उन्होंने इतने लाते हैं, ठीक है। ये देखें ये सारी हमने निकाली हुई हैं तस्वीरें वगैरह निकाल के यहाँ पे रखी हुई हैं, मतलब कि जो जो हम लोग जैसे जैसे थंबनेल बनाते हैं वो यहाँ से हम लोग डिलीट नहीं करते, ठीक है, ये लगा देते हैं जी। ये आप देखें ये फ्रेम है, इस पर भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं रखना चाहूँ तो यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये भी कोई, ये अब बने बनाए टेम्पलेट पर मैं वो कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ बस अपनी तस्वीर लगा के, रेडी टू गो उसको कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से पीछे से मेरा फेस छुप रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा फेस ना छुपे, इसको हम छोटा कर देंगे, ठीक है, ये लें जी, बस ये नीचे वाला यहीं पे गुड है, ठीक है। अब ये होगी जी हमारा थोबड़ा, लोगों को पता लगे था कि जी वीडियो किसकी है, हम किसकी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एडिटिंग जिस तरह मैंने बताया थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत इसकी एडिटिंग कर सकते हैं जी, ठीक है, ज़्यादा डल भी ना हो, ठीक है, ज़्यादा ओवर भी ना हो, ताकि ये देखें अब जैसे ये बहुत रेड हो गई है, ठीक है, अब ये ज़्यादा रेड हो गया है, इसको हम कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको बैक करेंगे ब्लू टेम्परेचर में जाके, इसको थोड़ा सा बैक साइड भी लेके जाएंगे अपने हिसाब से जिस तरह आपको अच्छा लगता है। ये यहाँ पर मुझे सही लग रही है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आके नीचे से शार्पन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये देखें जहाँ पे हमें सही लगती है वहाँ पे हम इसको रोक देंगे, ठीक है, ये लेंगे, ये हो गई हमारी पिक्चर रेडी हो गई है, एक मिनट, ये हमारी पिक्चर रेडी हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो आप देखते होंगे हमारे जो पिक्चर्स जो होती हैं हमारी, जैसे अबू की मैं पिक्चर लगाता हूँ, अपनी लगाता हूँ, तो उनके ऐसे साइडों पे वो लाइट सी आ रही होती है, कलर आ रहा होता है, वो आपने जाना है यहाँ पे हैं आप, ठीक है। अगर आपने ये एडिटिंग नहीं की करनी तो डायरेक्ट मैं आपको इधर से बताता हूँ जी, ये आपने खोला, ठीक है, एडिटिंग करनी है तो आप इस वाले में एडजस्ट वाले में आएंगे एडिटिंग करके, आप फिर एफएक्स वाले में आएंगे, एफएक्स में आके आपने ये शेडोज़ लिखा है शेडोज़ पे क्लिक करेंगे, ग्लो पे क्लिक करेंगे, इंटेंसिटी इसकी आप हाई कर दें, ब्लर को फुल कर दें, साइज़ आप देख लें अपने हिसाब से जिस तरह आपको मुनासिब लगता है, और उसके बाद जी आपने इसको करना है बड़ा, इंच बड़ा इन कर दें जी, ठीक है। आगे पीछे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, आप इसको दोबारा जाके खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। ये लें जी, अभी इधर से मैं इसका ये ब्लैक कलर आ रहा है, कलर भी चेंज करना चाहूँ तो वो भी हो जाती, ठीक है, ये देखें जी कोई भी कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये काफ़ी वो वास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। ये लें जी मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, ये लें, ठीक हो गया। अब ग्रीन के हिसाब से ये नीचे पिंक अच्छा नहीं लग रहा, लड़कियों वाला कुड़ियों वाला कलर, कुड़ियों वाले कलर नहीं है, साइड करा दें जी, ये नहीं जी, इसको भी ग्रीन पे ले आते हैं, मैचिंग मैचिंग हो जाएगी, इसको भी थोड़ा वाइब्रेंट में करना चाहता हूँ जी, ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेंट हो जाए ना, ये लें जी, ये लें, न्यू चैलेंज अनलॉक्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये तस्वीर है जी, तस्वीर भी आप जिस तरह मैंने अपनी तस्वीर लगाई है उस तरह हम कोई और तस्वीर भी लगा सकते हैं,
जैसे के ये टनल है, ये टनल की तस्वीर लगा देते हैं। अच्छा ये आप देख सकते हैं पीछे छुप गया, हम इसको भी सेट कर सकते हैं। बैक किया, ये देखेंगे आप, देखते हैं किधर आती है, थोड़ी बहुत टनल नज़र आ जाए ना। ये लेंगे अब टनल नज़र आ गया। अच्छा जी, अब हमने जाना है टॉप, यहाँ पे हम अपना टाइटल लिख देते हैं जी, TUNNELS, टनल्स ऑफ, ये यहाँ पे स्पेस आ गई है जी, ठीक है, टनल्स ऑफ। हम अगर ये अब एक उसमें लिखा हुआ है, इसका भी अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि इसका कलर और हो, इसका कलर और हो, तो वो भी हम यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला ही नहीं जी। ये देखें जी, ये इसको मैं इतना ऑफ को ब्लू कर देता हूँ, ये पीछे वाले से मैच कर लिए। पाकिस्तान, PAKISTAN, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे जी, यहाँ से अलाइनमेंट सीधी कर सा जी, ये नहीं जी, थोड़ा भी क्लियर हो गया यहाँ से, ये नहीं जी, और दसो। अब ये हमारा जो थंबनेल जो है ना जी, हमारा रेडी टू गो हो गया। हम चाहें तो इसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं, जिस तरह ये भी थोड़ी बहुत वो लग रही है, डल डल लग रही है, यहाँ से हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जी, जैसा कि मैंने आपको अपने थोबड़े वाली में दिखाया था। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो माजरत जी, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है, कि चौहान साहब को ये आप ये फालतू एलिमेंट है, फालतू एलिमेंट्स आप अपनी मर्ज़ी है, रखना चाहते हैं रख सकते हैं, निकालना चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चौहान साहब को ट्यूटोरियल इस तरह करने की इतनी ऐसा आदत नहीं है, वो अगर आप बोर हो रहे हो, ठीक है, तो फिर इग्नोर मारिएगा जी, मैंने आपको वजह बता दिया वाई है जी, आपका भाई कम कम ही ट्यूटोरियल करता है। लें जी, इसको भी हमने सेट कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है, फुल अपने हिसाब से सेट किया जी, ठीक है, आपको क्या पता अच्छी लग रही हो, क्या पता बुरी लग रही हो, ठीक है, गुड हो गया जी। ये हमारा हो गया जी थंबनेल रेडी, कितनी सी देर में, थोड़ी सी देर में हमारा थंबनेल रेडी हो गया। अब इसको हमने जाना है जी शेयर पे जाना है, शेयर पे जाके जी हमने डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड पे जाके जी हमने इसको डाउनलोड कर लेना है जी, ठीक है, और यहाँ से ये होते रही, ये देखें जी डाउनलोड हो रहा था, हो गया, बीच में इसने आके लुच तुल दिया, लुच डाल दिया, ठीक है जी। ये लें जी, ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पे सी में आ गया, हम इसको यहाँ से उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं इधर से डाउनलोड करके इसको हमेशा डेस्कटॉप पे ला के रखता हूँ, ताकि सामने नज़र आ रहा हो, पता लगे जी यही थंबनेल है, यही लगाना है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ से वो फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन जब थंबनेल लगा हुआ होता है तब ये फ़र्क नहीं नज़र आता। अब जिस तरह थोड़ी सी आपको ब्लर लग रही होगी होगी, लेकिन थंबनेल में ये काफ़ी डिसेंट लग रही होती है, ठीक है, ये भी इसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, बस इतना सही होता है। और एक तरीका ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ जी कि मतलब कि अब हम आपको बताते हैं कि जो ब्लैंक पेज होता है उसके ऊपर हम कैसे अपने आप को सेट करते हैं, ठीक है। होम पे जाएंगे दोबारा, मतलब कि कैनवा के मेन पेज पे चले जाएंगे दोबारा, ये लें जी, इधर से चले जाते हैं, ये कैनवा के मेन पेज पे आ गए, ठीक है, ये हमारा अपना जो वो है इसके ऊपर नहीं करते, ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा, फिर जब दोबारा थंबनेल बनाना पड़ेगा तो टेंशन हो सी, सही है, तो इसको भी दोबारा से क्रिएट मारना पड़ेगा। फ़िलहाल हमारा ये क्या कहते हैं वो चल रहा है, फ़िलहाल उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए चस आ रही है, मतलब कि टेम्पलेट नहीं था, वो मैंने खुद ही बनाया था। कैसे बनाया था, अभी मैंने यहाँ से थंबनेल यूट्यूब थंबनेल सर्च किया था, तो ये सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जी, यहाँ से हम लोग कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकते हैं, प्रो वाले को भी उठा सकते हैं, इसको मैं आपको उठा के भी दिखा देता हूँ क्या होगा, ठीक है, यूज़ टेम्पलेट, इसके ऊपर क्राउन बना हुआ है, जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना बाबा जी, इसने पूछना है जी ट्राई इट फ्री फॉर 30 डेज, तो ट्राई इट फ्री करने के बाद भी इसने ना हमारे से वो क्या कहते हैं पैसे शैसे बटोरने की कोशिश करनी है, जो भी सीन होता है, लेकिन बाकी भी जो हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप इसके प्रो वाले में ना ही जाएँ तो बेटर है, क्योंकि अपनी स्किल्स को भी थोड़ा सा वो करें ना जी, ठीक है। ये आ गए हम इसके ब्लैंक पेज पे, ठीक है,
अब यहाँ पे फर्ज करें जी, ये मुझे वाइट बैकग्राउंड है, मैं रखना चाहता हूँ। आप पहले देखते होंगे जी हमारी थंबनेल्स में ब्लैक बैकग्राउंड आता था, कुछ भी नहीं होता था। ये मैंने ब्लैक कर दिया जी। बीच में मैं थोड़े इसके एलिमेंट्स डाल देता हूँ। एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे जी, आप यहाँ से जाके सर्च करें ग्रेडियंट्स, मतलब कि वो जो खूबसूरती के लिए जो मैं लगाता हूँ। ठीक है, इतने ज़रूरी नहीं होते, हर कोई नहीं लगाता। ठीक है, अब कोई टेक रिव्यूअर अगर देख रहा है ये वीडियो, तो काफ़ी लोग बोलेंगे जी एलिमेंट्स नहीं, कुछ बोलेंगे एलिमेंट्स लगाने चाहिए, कुछ बोलेंगे नहीं लगाने चाहिए, वो थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं रहता। तो एलिमेंट्स मैं उस तरह तो नहीं लगाता, बस खूबसूरती के लिए जो होते हैं ना, थोड़े बहुत वो लगा देता हूँ बस, जिस तरह बैकग्राउंड में मैंने यूज़ किए हैं। और ये थोड़े बहुत ये इमोजीज वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो जो जो आपने यूज़ कर लिए होंगे तो वो आपको यहाँ पर सारे वो शो हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम एक ये लगा लेते हैं जी, ये देखें, इससे भी काफ़ी खासा फ़र्क पड़ गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये देखें जी, डायमेंशंस भी हमें बता रहा होता है जी। ये अब जी ये दरमियान में नहीं, ये बिल्कुल दरमियान में भेज के, ठीक है, बता रहे जी किधर रखेंगे तो कैसा लगेगा। ठीक है, गंद मारते हैं थोड़ा सा गंदी, उसके बाद फिर फिट लगना शुरू हो जाता है। ये लेंगे, ये आ गया। वीडियो लंबी हो रही होगी जी, माजरा था जी। ठीक है, हम माजरा खा हैं, खा खा हैं। ठीक है जी, यहाँ से हम ये उठा लेते हैं, नहीं ये येलो के साथ मैच हो रहा है, और कौन सा उठाया जाए जी, फिर ये उठा लेते हैं जी, ये नहीं जी। इसको हम लोग यहाँ से रोटेट भी, किसी भी पिक्चर को हम लोग यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ये लो जी, क्या समझे। ठीक है, फिर भी गाइस कुछ समझ ना आ रही हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिनके पास नंबर है जी नंबर पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बता दिया जाएगा आपको इंशाल्लाह। और क्या लगाया जाए यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा, वो जिन्होंने टाइटल कह देने। ठीक है, ये लेंगे बस जी, इस तरह करके मैं अपना बैकग्राउंड रेडी करता हूँ। आप मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, क्या पता नेक्स्ट थंबनेल में आप ये देखना शुरू कर दें। ठीक है, नए पुराने थंबनेल्स में आपको ऐसे पुलिस पुलिस वाली लाइट नज़र आ रही होगी, वो मैं कैसे लगाता था वो भी बताता हूँ जी। एक ये नीले वाला को पकड़ता था एंज, इसको खींचता था बाबा जी। ये आ गया जी एंज, इधर आ गया, पोजीशन में जाएंगे हम लोग अपने हिसाब से। इसको बिल्कुल बैक पे रखना चाहते हैं बिल्कुल बैक पे रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे। यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप किसी भी पिक्चर को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है। सही है, अब इसको मैं पीछे ले जाता हूँ जी। ठीक है, ये हो गया जी पीछे, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देने हैं। ये लो जी, आओ जी। और यहाँ पे हम पुलिस वाला दूसरा भी लगाते थे जो रेड वाला होता है, किधर गया। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पीछे से एलिमेंट्स वाले से यहाँ से भी मिल जाएंगी। आप यहाँ पे सर्च करें, ये ग्राफिक्स आ गए जी। ग्रेडियंट्स नहीं सर्च करना था, ग्राफिक्स सर्च करना था, मैंने ग्रेडियंट सर्च किया था। एक जैसे नाम है ना जी, क्या किया जाए। ये लगा देते हैं यहाँ पे, आए हाय हाय हाय। ठीक है जी, नॉट बैड ब्रो, ले हो जी, सही हो गया। अब यहाँ से ढूंढते हैं इसको, लाल वाले को, लाले इधर गया। ये रहा जी, कहीं इसको हमने पुट्ठा कर दिया। ओह ये लो जी, अब इसको हम पीछे ले जाएंगे, यहाँ से बैक 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 बैक, और यहाँ से इसको थोड़ा सा एंड सेट कर दे, सो देश अंदर आ जा। ठीक है, ठीक हो गया बाबा जी। लो जी, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सो अपनी कोई चिकनी जी तस्वीर, ला छोड़ सा जी बाबा जी इतने करके। अब ये तस्वीर है जी, इसको हम फ्लिप भी कर सकते हैं, सजे से खबे खबे से सजे कर सकते हैं, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लें जी वापस उधर ही ले आते हैं, जो ओरिजिनल होती है वही सही लगती है जी हमें तो। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जी, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला परेशानी वाली गाली नहीं है। ठीक है जी, इसको हम अच्छा यहाँ पे टाइटल लिखना था, चलो कोई नहीं। ये लें जी, ये यहाँ पे आ गया जी तस्वीर, तस्वीर इसको हम उसी तरह जाके एडिट करेंगे जी। ठीक है जी, ये लें जी एंज, थोड़ा सा इसको ब्राइट किया एंज, थोड़ा सा कंट्रास्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, अपने अपने वो होते हैं, शौक की बात है, माइंड की बात है। ठीक है,
ये लेंगे शैडो, इस बार थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये लेंगे इसको, व्हाइट्स को यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक नहीं, 0 0, ये 0, वाइब्रेंस फुल की थी तो इन्होंने इतने लेके आए तो इसको इधर पीछे कर दिया, लो जी, हाँ थोड़ी सी रेड है, ये लेंगे, ले जी, ये हो गया जी। अब हमने आना है नीचे की जानिब, शार्पनेस को ऊपर कर देते हैं थोड़ा जा, थोड़ा जा, थोड़ा जा, और ये थोड़ी सी नीचे कर देंगे, ठीक हो गया, मुझे चमक नहीं चाहिए साथ ही, ठीक हो गया जी। अब जी हमने यहाँ से जाना है इथे, किथे, इथे इफेक्ट्स में जाके, शेडोज़ में जाके, ग्लो में जाके इंटेंसिटी को बढ़ाना है इसकी, ब्लर को बढ़ा देना है इसको, हसबे जायका, ठीक है, यू नो हसबे जायका रख सी, ठीक है, इन्हों इतों अपने हिसाब न हसबे जायका सैट कर दे सी, तो फिर बाबा जी इतों जाके ये जो आपको कलर पसंद आता है उस कलर को आप सेलेक्ट करें, तो सेलेक्ट करने के बाद जी आप उसको अपने हिसाब से सेट करके जी, लो जी ये हो गया जी बिरयानी तैयार, बल्कि अभी नहीं हुई तैयार, होने वाली अभी दम पे लगी है, सही है। यहाँ से हम लोग चुक लेते हैं जी, क्या उठाया जाए, क्या उठाया जाए, ये हम डाइनो वैली गए थे जी, ये तस्वीर उठा लेते हैं डाइनो वैली की, ये डायनासोर पाई जाने, वाह, इसको थोड़ा सा इतने रखा जाए ताकि हमारा टाइटल भी पूरा आ जावे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। और फिर एडिट इमेज में जाना है, इसको भी अपने हिसाब से सेट करना है, वो कंट्रास्ट इसको थोड़ा सा दे देते हैं, हाईलाइट पे ज़्यादा वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, शेडोज़ नहीं देते, तेरे बिना ये जान सब होने को दिल करूँ, ले ओ जी शेडो थोड़े से दे ही देते हैं सर, ये ठीक है। अब जी आपने जाना है सेचुरेशन वाइब्रेंस कलर्स वाली साइड पे, वाइब्रेंस किया है इसको, सेचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है, ये ब्लू ब्लू जो है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इस वजह से हम ब्लू के खिलाफ जाते हैं, ब्लू को थले कर देते हैं, जा 0 कुछ गए हैं, लो जी शार्पनेस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लो जी शार्पनेस एंड क्लियरिटी गुड टू गो। अब जी आपने आना है यहाँ पे, यहाँ पे आके आपने इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, ये लो जी ये पीरी पीरी होती जाती है, वो आप दोबारा सेट कर सकते हैं, रोला कोई रोला चला नहीं है जी, ठीक है, कलर आप देख लें जी, इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो है जंगलों चंगलों वाली चीज़ है, जंगलों चंगलों वाला कलर दे जी बाबा जी, डिस्ट्रैक्शन, ठीक हो गया, देन वी विल गो टू द, अच्छा जी अब यहाँ से हमने जाना है इथे, नहीं इथे नहीं, अपने हिसाब से जो आपका जहन में टाइटल चल रहा है उसके हिसाब से आप वो लें, ठीक है, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, कुछ का कलर चेंज होता है कुछ का नहीं होता, ठीक है, इसको हम कर देते हैं काला काला, नहीं काला काला नहीं करते, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ लेके आते हैं, कीड़ा कलर दिया जाए यही दे देते हैं, सही है, उसके बाद इसको एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद, और तेरी बदमाशी करता है, लो जी ये वेजनेट कर दिया इसको, ठीक है, जो भी होता है वो इसको कर दिया, ठीक है जी, लो जी लो जी, अब हमारी बिरयानी होने वाली है तैयार, ये ठीक है, और यहाँ से आपने आना है शेडोज में, इसको हम रखेंगे काला काला, ठीक है, ये ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने लिख देना है अपना टाइटल, लिख देना है जी यहाँ पे हमने बड़ा बड़ा करके टाइटल लिख देंगे जी, DINO डाइनो VALLEY वैली, ठीक हो गया जी, डेनो वैली आ गई थे, इसको सारे को सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट अपने हिसाब से आपने देख लेना है, हम लोग ये दो यूज़ करते हैं बैंगर्स और ये गागालिन, गागालिन फ़िलहाल बैंगर्स इन है जी हमारी मार्केट में, ठीक है,
तो जी हमने इसको कलर दे देते हैं, कोई ब्राइट सा कलर दे देते हैं ताकि स्क्रॉल करते हुए लोगों को क्लियरली दिस जाए। ठीक है जी, कोशिश करनी है ब्राइट कलर यूज़ करना है। ठीक है, संगी होते बेलियो ये नहीं जी, डायनो वैली तो बड़ा कर लिया, बड़ी बड़ी डायनो वैली हो गया, दिस इज आई। और बाहर खाना भी लग गया है जी, तो जल्दी जल्दी बस मुकाते हैं जी। ठीक है, ये डायनो वैली हमारी बड़ी हो गई है। इफेक्ट्स में जाएंगे, शेडोज़ में जाएंगे, ठीक है, ब्लर को फुल कर देंगे, ऑफसेट को फुल कर देंगे, कलर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं ब्लैक। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी थंबनेल, गुड टू गो। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़े बहुत और अगर एलिमेंट्स सेट करना चाहें। ठीक है, ये अब इसको यहाँ पे लगा सकता था लेकिन इसकी जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिलहाल ये लेंगे, ये थंबनेल हमारा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड, फिर से डाउनलोड, जो जो स्टेप्स आपको नहीं समझ आ रहे रिपीट करके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो जी कमेंट सेक्शन में बताएं, जिनके पास नंबर है नंबर पे बताएं। ठीक है, तो फिर आपसे रुजू किया जाएगा दोबारा, तो फिर आपको समझा दिया जाएगा। ये लेंगे, ये दोनों थंबनेल हमारे आ गए हैं, उधर किधर इधर। ये जी पहले वाला जो हमने टेम्पलेट से बनाया था, प्री क्रिएटेड टेम्पलेट से बनाया था। ठीक है, प्री डिज़ाइंड। अच्छा जी, अब दूसरा है जी ये वाला डायनो वैली, ये लेंगे, ये आ गया। ये अब ये थोड़ा बहुत जो इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये आप जब थंबनेल वहाँ पे लगाते हैं तो वो फ़र्क आपको नहीं नज़र आता। ठीक है जी, ये नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने डिलीट नहीं करने हैं क्योंकि आपने अपलोड करने हैं। ठीक है जी गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करके जी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करके जी बेल आइकन दबा देना है ताकि जो भी आने वाली हमारी वीडियोस होंगी आप तक सबसे पहले पहुँचें। और जिन दोस्तों को समझ नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लाजमी पूछें, ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।